मोदी सरकार से एक प्रार्थना, जो पत्थर फेंकते उन्हें उठा के पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान फेंक दो उन्हें। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम पत्थर फेंक के, कभी कभी आजा मां जी सटक ली, देश के जवानों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी। मैंने देखा एक नौजवान को, देश के शहीद को, सैनिक को पत्थर मार मार कर उस पब्लिक ने मार डाला। और हमारे लोग कहते हैं वो बच्चे भटके, अरे भटके हुए नहीं है, वो सटके हुए हैं, उनकी बुद्धि सटकी हुई, उनको सटकाओ। पर 10 15 20 लोग ऐसे हैं कश्मीर से, उन्हें मिटा दिया जाए तो कश्मीर में आज भी बाबा भोलेनाथ चैन से बात करेंगे। सिर्फ 15 20 लोग ऐसे। अब बहुत से लोग मेरे को कहेंगे महाराज भड़काऊ भाषण दे, महाराज भड़काऊ भाषण मैं दे रहा हूं, मैं तो तुम्हें कृष्ण से प्रेम करना सिखा रहा हूं। लेकिन सैनिक जो है किसी साधु से कम नहीं है। अगर साधु पर कोई पत्थर फेंके और देश की जनता देखती रहे तो धिक्कार है उस जनता पर जो अपने सैनिक के ऊपर पत्थर फेंकता हुआ देखती रहे, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। वो सैनिक नहीं है, वो साधु है। हम दीपावली मनाते हैं, वो फौज पे वहां खड़े होकर बॉर्डर पे गोली खाते हैं। हम भैया द्योज पे मिठाई खाते हैं अपनी बहन के हाथों से, और वो वहां गोलियां खाते हैं। किसके लिए? हम सब के लिए। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन है, 19 में आना चाहते हो तो पाकिस्तान की बैंड बजाओ। इन पत्थरबाजों की बैंड बजाओ, देश के गद्दारों की बैंड बजाओ। आप आएंगे, पक्का आएंगे, लेकिन तभी आएंगे जब राम मंदिर बनाएंगे, तभी आएंगे जब पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, तभी आएंगे जब गौ हत्या बंद इस देश में करवाएंगे। आप जरूर आएंगे, आप जरूर आएंगे। आजा मां जी सटक ले, ये कथावाचक नहीं बोल रहा है, ये देश का एक नागरिक बोल रहा है। और यही तो चाहता है सारा हिंदुस्तान, यही चाहता है। कौन कौन चाहता है? नहीं चाहते हो तुम लोग? जो चाहते हाथ उठाओ, ये चाहते हैं। हम जड़ मूड़े ने समस्या खत्म करना चाहते हैं साहब। हमारे देश की सेना पर कोई पत्थर फेंके ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी वीडियो देते तो खून के आंसू आ जाते हैं, हाथ में हथियार है फिर भी गोली नहीं चला रहा है। एक बार गोली चला दे कम से कम 50 मर जाएंगे वहां, और फिर मीडिया पर प्रकट होंगे वो इस्तीफा देने वाले, वो मेडल लौटाने वाले प्रकट होंगे अचानक से, सेना गलत कर रही है। अरे अब वो मर गया एक सैनिक, कहां गए वो मेडल लौटाने वाले? अरे खाते हिंदुस्तान का हो, कुछ तो सोचो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री जी की एक बात याद आ रही है, कहें तो कह दूं, मैं मौत से नहीं डरता, मैं बेइज्जती से डरता हूं, मैं अपमान से डरता हूं। एक बार अपमान हो उससे अच्छा है कि मेरी 100 बार मौत हो जाए। देश का अपमान है सेना पे पत्थर फेंकना, उस पर टिप्पणी करना, देश का अपमान है। तो मेरे भाई बहन, मैं यह कथा कहने आया हूं, कथा कहूं पर कहीं ना कहीं देश का एक नागरिक जाग उठता है। क्या करूं, रोटी जो खाई है इस देश के, अन्न जो खाया है, जल जो पिया है, रहा नहीं जाता, लौट के आए। कुसंग करोगे तो पाकिस्तान जैसे बन जाओगे, और अगर अच्छा सत्संग करोगे तो हिंदुस्तान जैसा बन जाओगे। कुसंग ये जो पाकिस्तान का निर्माण करता है, और सत्संग है जो हिंदुस्तान का निर्माण करता है। ऋषियों की भूमि है ये भारत देश। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से।